डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड बिलेज वाइप्ड आउट इन क्या क्या इमेजेस चल रहे थे कि जस्ट शॉक्ट भी कि यह हो गया सुबह सुबह एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग मेरे मन में यही चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है यार मतलब मुझे यहाँ क्या क्या काम करना है करियर वाइज वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं मतलब ऑल दिस कॉन्फ्लिक्टज गोइंग ऑन माई हेड एंड ही जस्ट लुकड एड मी एन स्माइल्ड सो आई ऑल्सो लुकड एड एन स्माइल्ड बट यू डिट स्टॉप स्माइलिंग एक किस्मत का एक एक चीज जो मैंने रियलाइज किया मैंने एक्सपीरियंस किया है जो मैंने देखा है पर्सनली आप शायद नहीं अग्री करोगे जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनका कभी कुछ होता नहीं है ठीक <laughs> है और जिनका नसीब बहुत ही जबरदस्त है उनको सब मिल रहा है डू यू बिलीव ये मैंने देखा है ओके okay. मैं एक आपको अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ दो में काफी लाइफ के अंदर पंगे हुए हंगामे हुए उथल पुथल बहुत थी टफ सीन था मेरा और मैं शूट से पार्टी से क्योंकि क्रिसमस का टाइम था लेट नाइट वापस आया तीन चार बजे रात को और मैंने टीवी ऑन किया और मैंने वहाँ देखा कि सुनामी आई हुई है एंड आई सॉ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड विलेज वाइप्ड आउट एंड क्या क्या इमेजेस चल रहे थे कि जस्ट शॉक्ट भी कि ये हो क्या रहा है सुबह सुबह एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग सो गोइंग टू स्लीप मेरी नींद उड़ गई आई लिव बाय दशन मेरा दिमाग तो उल्टा चलने लग गया कि अगर मेरे घर पे इस तरह से सुनामी आई होती भगवान न करे, मेरे परिवार के साथ ये हुआ होता वुड आई बी ओके कि दुनिया अपने आप टीवी ऑफ करके सो जाए कोई मदद करने नहीं आए तो आई वेंट आई टच माई पेरेंट्स फीट हमारे पंजाबी पैरी पहना वाला सिस्टम चलता है सुबह सुबह उठ के पैर पे, छू पेरी पहना करो तो आशीर्वाद लिया और मैंने बोला मैंने बैग बैक टैम ली तो बोले कहाँ जाएगा बोला चेन्नई चेन्नई में तो सुनामी नहीं आई नहीं मैं जाऊंगा गांव में जाऊंगा कहाँ जाएगा अगर डिसाइड किया मैं तो वहाँ जाके पता कर लूँगा बट आई एम गोइंग एक कदम तो रखना है वहाँ गया लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई एंडेड ऑफ लिविंग नाइन मंथ्स इन द विलेज एंड नौ महीने में एक नहीं तीन तीन गांव का पुनर्निर्माण किया हज़ारों फैमिलीज़ को हमने वापस बसाया घर दिलाया उनके बहुत लोगों ने मदद की लॉर्ड ऑफ वंडरफुल सोल्स एंजल्स केम आई बिकेम अ मीडियम माध्यम बना अपना पैसा लगाया अपना समय लगाया अपनी नीयत लगाई लेकिन दिया सब यूनिवर्स ने यह करो तुम तो मीडियम बनो और ये अच्छा काम करो नीयत साफ़ रख के इसको अच्छा करो तो मैंने किया उस दौरान मेरी क्या वो साढ़े साथी ये वो सब चल रही थी कुछ ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों में लेकिन मुझे जब टाइम डाउन होता है ना वीकनेस फील होती है ना तो आदमी तीन का भी सहारा लेता है कि अच्छा ये हो रहा होगा चलो इसकी कोई पूजा करा दें तो किसी ने मुझे बताया अरे जिस गांव को आप वो गोद लिए हो उससे तो बस आधे घंटे दूरी पे बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पे पूरा आशीर्वाद यू मस्ट गो टू दैट टेंपल तो मैं चला गया टेंपल काम धाम छोड़ के वहां गया पूजा पाठ की सब कुछ किया फिनिश किया और निकल रहा था तो किसी ने मुझे बोला एक ओल्ड मैन टोल्ड मी यू कैन नेवर लीव अ टेम्पल अच्छा फ्लूएंट इंग्लिश में गांव के अंदर यू कैन नेवर लीव अ टेम्पल लाइक दिस आफ्टर यू फिनिश अ प्रेज यू शुड सिट इन द टेम्पल एंड टेक द वाइब्रेशन वाला ओके सॉरी थैंक यू जब बैठ गया मेरे मन में यही चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है यार मतलब मुझे यहाँ क्या क्या काम करना है करियर वाइज वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं मतलब ऑल दिस वाज़ गोइंग ऑन माय हेड एंड ही जस्ट लुक्ड एड मी एन स्माइल्ड सो आई ऑल्सो लुक एड एंड स्म्ड बट ई डिट स्टॉप स्माइलिंग सो आई कॉट कंफ्यूज कि ये कंटिन्यूसली क्यों स्माइल करते जा रहा है मेरे पे इतना क्या मतलब वॉट इज देयर एंड ही सेज यू हैव द आई हैव द आंसर्स मैं ऐसे हो गया क्या हो रहा है एंड टिपिकल मतलब जैसे फिल्म में होता है ना कि सफ़ेद बाल सफेद लंबी दाढ़ी मतलब इज वेयरिंग ओनली वन धोती एंड वन शलिया ऑन टॉप एंड वो दिख रहा है वो जिसका नूर होता है ना एक वो दिख रहा है वो चमक रहा है उसकी और सो आई सेड हैपनिंग टू मी आई फील अ गुड ह्यूमन बींग आई एम अ गुड पर्सन मैंने किसी का बुरा कुछ नहीं किया तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है कोई पुराने जन्म का हिसाब है कोई एस्ट्रोलॉजी का इशू है क्या क्या है तो इससे बुरा क्या हो रहा है सब तो अच्छा हो रहा है वैसे मतलब जैसे देखो तुम्हारे योग के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से साढ़े साथी चल रही ना तुम्हारी तुम्हारा फाइनेंशियल बहुत बड़ा नुकसान होना था यू आर टू लूज क्रोर्स एंड क्रोज एंड क्रोज ऑफ रुपीज तुम्हें आशीर्वाद है ऊपर वाले का कुछ अच्छा किया है तुम्हारे पेरेंट्स का आशीर्वाद है इसीलिए इंस्टेड ऑफ लूजिंग वो मनी आउटफ्लो गया है इन टू अ प्रोजेक्ट विच इज हेल्पिंग पीपल्स लाइफ अब यहां से तुम जिंदगी भर गुड नेम कमाओगे रिस्पेक्ट कमाओगे ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स, दुआएं कमाओगे तो तुम्हारा तो अच्छा ही हुआ ना ये फायदे का सौदा है कि घाटे का बताओ तो समटाइम्स वी थिंक इट्स आर बैड लक बट वही चक्कर स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व